नो डाउट पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है और उसे साबित भी किए तमाम तर मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद, जबकि बहुत सी प्रेडिक्शंस, बहुत सारे बड़े बड़े लोग प्रेडिक्शन दे रहे थे कि बड़ा मुश्किल है पीटीआई के लिए 8 फरवरी में इलेक्शंस जीतना, लेकिन हमने देखे नतीजे सामने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। लेकिन भट्टी साहब, अगर कंपेरिजन करें मियाँ साहब की और इमरान खान साहब की सियासत का, तो जब तक मियाँ साहब, भट्टी साहब, जब तक प्यारे बच्चे, सुन तो लेना, मुझे ये जो चंद घिसे पिटे आज बांग्लादेश मॉडल फेल हो गया है, आपको पता है? अगला सवाल, पूरा मेरा सवाल सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना। मैं ये कह रही हूँ कि जब तक मियां साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो की बात कर रहे थे, वो भी इसी तरह पॉपुलर थे, लेकिन बाय इलेक्शन भी जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने डील की, एक्सटेंशन के लिए वोट दिया गया, वोट को इज्जत दो का नैरेटिव कहीं चला गया, तो आपने देख लिया उनके पॉपुलैरिटी ग्राफ कहां पहुंच गया। तो अगर आज आपको इमरान खान साहब अगर करते हैं, कोई डील करते हैं या कोई ढील मिलती है, तो आपको लगता है कि फिर उनकी पॉपुलैरिटी में भी इस तरह का कोई डेंट पड़ सकता है? क्योंकि ये स्पेकुलेशंस भी हैं कि अगर मुज़ाकरात की तरफ आ जाएगी तो कहीं डील या ढील ना हो जाए, या ये सिर्फ वक्ती तौर पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं। इतनी पढ़ाई के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतना लंबा सवाल करने के बाद आप, और इस सवाल का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, आप कभी जिंदगी में मुझे बताएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे और आपके महबूब कायदे आजम सानी, बकौल मरियम नवाज इमाम खुमैनी साहब ने, कभी डील ना फरमाई हो या डील ना लियो, कभी खड़े रहे हो, मुझे बता दें कभी? ये जाली पन था, एक बबल था, जो आप देखें, अब दुनिया एक मोबाइल में सिमट गई है, ये ग्लोबल विलेज सा बन गया, डिजिटल बन गया, जो अब नींदें उड़ा के रखी हुई, अब आप एक्सपोज हो जाते हैं। 90s की सियासत खत्म हो गई, तीन अखबार और एक कौमी तिराने से लप्पे आती दुआबन से, दुआबन के तमन्ना मेरी से टीवी शुरू होता था, कौमी तिराने पे खत्म हो जाता था, तो मैनेज कर लेते थे, 10-12 लोग होते थे जो लिखने वाले होते थे, वो ढोल पीटते रहते थे, ओ आया जे साडा नेल्सन मंडेला, चल चाल वेखो जरा इंदी, वाह 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 वाह, वेखो किस तरह कदम है दरपट। अब आ गए मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये जो लोअर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के, जो देखते हैं यार ये बोने बोने से पिछले 40 साल से हम पे मुसल्लत हैं। नवाज शरीफ साहब ने जिंदगी में कभी कोई कई खड़े हुए तो मुझे बताएं, एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, उसके बाद ले ली, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अलम बगावत बुलंद किया, फारिग हो गए। जब भी मुश्किल वक्त आया है, कभी जद्दा कभी लंदन, जब भी मुश्किल वक्त आया, कभी डील कभी ढील, जब भी मुश्किल वक्त आया, अच्छा बाकी सारे छोड़ दें, वो पुरानी बातें हो गई, मैं याद कराने लूँ, ये अभी 3.5-4 साल जो इमरान खान का दौरे हुकूमत है, जिसमें हम समझते थे, मुझे उस दिन भी नहीं पता, लेकिन मैं हम इसलिए लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरी और आप दोनों की इज्जत रह जाए, हम समझते थे कि देखो जी 26 नुकात पे पीडीएम चली हुई है। अब आज पता चला कि जरदारी साहब भी उनसे डीलें फरमा रहे थे, जनरल मौलाना साहब भी उनसे डीलें फरमा रहे थे, इमरान नवाज शरीफ साहब भी डीलें करके उनसे बाहर जा रहे थे, शहबाज शरीफ भी रात को उनसे मिल रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी उनके पास ही जा रहे थे, गुलाब जामुन भी उनसे ही खाई जा रहे थे, और उसके बिलावल भुट्टो भी उनसे मुलाकातें कर रहे थे, मरियम नवाज ट्विटर खामोश करके भी उनसे ही बातें कर रही थी, तो मतलब ये सारे उन्हीं से डीलें फरमा रहे थे, उन्हीं के पास जा रहे थे, ये उन्हीं की पैदावार हैं, इनको इमरान खान से कंपेरिजन, इमरान खान में लाख बुराइयां सही, इमरान खान की एक एक सियासत, एक एक फैसले पे आप, हम घंटों बात कर सकते हैं कि क्या ब्लंडर है, क्या गलती है, क्या हमाकत है। भट्टी साहब, इमरान खान साहब ने तो अपने दौर में बड़े तारीखी जलसे किए जब भी इक्तदार से हटे, ले आज पीटीआई सवाबी में अपना अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है, क्या आपको लगता है कि पीटीआई ने ये तय कर लिया है कि अब वो अपनी सियासत और अपनी ताकत का मुजाहरा केपी में करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें, जमात इस्लामी में धरना हो रहा है, जमात इस्लामी का भी धरना हो रहा है, तरीके लबैक ने भी धरना कर लिया था, लेकिन पीटीआई को यहां पे इजाजत नहीं मिल रही। आप इस तरह करें ना कि पीटीआई का वो पेन के ना मफरल लिबर्टी मार्केट आके आ जाएं और तीन नारे मारें इमरान खान जिंदाबाद, तो उसके बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, और 2-3 दिन बाद जब आप बाहर आए तो फिर आप जमात इस्लामी का मफरल पहन के आ जाएं, नून का पहन के आ जाएं, बाकी का पहन के आ जाएं, फैसिलिटेट होंगी।
अभी मैं सुन रहा था कि ये जो जमा इस्लामी का जब धरना था तो कुछ लोग इस्लामाबाद की तरफ आए, उनमें से 20 लोग उन्होंने 20-25 लोग पकड़ लिए। ये करीब 10-15 किलोमीटर थाने पे ले जाकर उनमें से 15-16 उन्होंने छोड़ दिए जो जमा इस्लामी के थे। 4-5 जो तरीके इंसाफ के थे उनको उन्होंने जेल भिजवा दिया। अब पहली बात तो ये है कि अवामी ताकत का मुजाहरा करने की अब तरीके इंसाफ को जरूरत नहीं रही। अवामी ताकत का नाम है तरीके इंसाफ इस वक्त, इस घड़ी तक जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ अगर एहतजाज करें तो फिर लाठी चार्ज और इस तरह की सोबतें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, गिरफ्तारियां भी देनी पड़ती हैं, कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। देखिए इस वक्त अगर आप आज तरीके इंसाफ से मजीद कुर्बानियों की तवक्को कर रही हैं, मजीद लाठी चार्ज की तवक्को कर रही हैं, मजीद गिरफ्तारियों, मुकदमों या फेंटियों की, आंसू गैसों की तवक्को कर रही हैं, तो आपकी आपको मैं क्या कह सकता हूँ। आपको कोई लग रहा है कोई हुकूमत जा रही है, कोई कौमी हुकूमत बन रही है, कोई नए इलेक्शन बन रहा है? दिसंबर की भी बातें हो रही थी, फिर सितंबर अक्टूबर का भी जिक्र आया था। देखिए चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब जाने के बाद अब जो इनको खतरा है वो ये है कि इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए। इलेक्शन ऑडिट हो गया और तो वो जो कुछ सामने आए खुलेगा तो उसमें जाहिर है ये तो फिर नहीं होंगे। तो इनको खतरा ये है, ये आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साफ आराई भी इसलिए कर रहे हैं कि खतरा ये है कि कहीं इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए। और जो जुडिशल कमीशन साहब का एक जुडिशल पैकेज साहब बहादुर एक आना था वो भी नहीं आ सका, और भी सारी फायर बैक हो गया, मुल्क भी नहीं चल रहा, आपस में पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग भी हल्की फुल्की जा रही है। पीपल्स पार्टी जाएगी कहीं नहीं, इतनी कंफर्टेबल कभी वो थी नहीं। बलूचिस्तान सिंध अपने पास, सदारत अपने पास, चेयरमैन सेनेट अपने पास, दो गवर्नर अपने पास, आसफा खातून अव्वल, बिलावल जिंदाबाद, तो उनको क्या और चाहिए? जिम्मेदारी, असल इलेक्शन तो वो जीते हैं इसमें, इस इलेक्शन में। तो बहरहाल मैडम नियाजी अल्लाह आपका भला करे, जरदारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाले, और अगर गए तो मैं आपको नजर नहीं आ रहा।